नमस्कार, कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। ये तो हम सालों से सुनते आए हैं कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन कोविड काल में ये सच हमारे सामने और भी उभर कर आया। बीते साल देश के सकल घरेलू उत्पाद में अगर किसी क्षेत्र ने सकारात्मक वृद्धि दिखाई तो वो कृषि का ही क्षेत्र है। देश की लगभग 60% आबादी अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इस क्षेत्र पर निर्भर है। लेकिन विडंबना यह है कि सालों तक हमारा किसान हाशिए पर रहा। वादों और नारों में तो किसान का जिक्र चलता रहा, लेकिन ठोस कदम की कमी लगातार महसूस की जाती रही। जब हम बात कृषि की करते हैं तो हमें समझना होगा कि ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यदा कदा इक्का दुक्का फैसलों से इस क्षेत्र में किसी क्रांति की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके वृहद सुधार के लिए जरूरी है लगातार फैसले लेना और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर उन पर अमल करना। मोदी सरकार की यही रीति नीति रही है। साल 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद से ही किसानों का हित, उनकी आय में वृद्धि, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानव कृषि क्षेत्र में सुधार लाने की मुहिम छेड़ दी है। हमने देखा कि किस तरह बीते 7 सालों के दौरान सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं लाती रही हैं, जिनके कुछ लक्ष्य तय किए गए और उन्हें हासिल भी किया गया। किसानों को जागरूक करने और योजनाओं से जोड़ने के लिए कई तरह के अभियान चलाए गए, नई तकनीकों पर जोर दिया गया, कृषि बजट में लगातार इजाफा किया गया, पशुपालन मत्स्य पालन की असीम संभावनाओं को देखते हुए अलग मंत्रालय बनाया गया, समय की मांग को देखते हुए नए कानून नई नीतियां बनाई गई। आज इस खास पेशकश में हम देखेंगे कि इन 7 सालों में सरकार ने कौन कौन से अहम कदम उठाए हैं ताकि हमारे अन्नदाता आत्मनिर्भर बने और उनकी आमदनी दुगनी हो जाए। किसानों की बेहतरी और खेती को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार लगातार प्रयासरत रही है। किसानों को अपनी फसलों का वाजिब दाम मिले और कृषि से जुड़ी समस्याओं और बाधाओं से उन्हें छुटकारा मिले, इसे ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने नए कृषि कानून को संसद से पारित करवाया। पिछले 7 सालों में देश के किसानों को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बीज से बाजार तक हर वो फैसला लिया है जो किसानों के लिए खेती को और आसान बनाए, उनकी मुश्किलें कम करें और मुनाफा बढ़ाए। किसानों की बेहतरी के लिए बीते कुछ सालों से लगातार ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि किसानों तक हर सरकारी योजना और आर्थिक मदद बिना किसी बिचौलिए के पहुँच सके। प्राकृतिक आपदा हो या फिर कोई और कारण, फसल के नुकसान होने पर सीधे किसानों के बैंक खाते में मदद पहुंचाई जा रही है। ये सब संभव हुआ है खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और सरकारी योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने की वजह से। किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को की गई थी। इसके तहत छोटे और सीमांत किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए सहायता राशि के तौर पर दिए जाते हैं। किसान को 2,000 रुपए की 3 किश्तों में ये पैसा दिया जाता है। इस योजना का लाभ ऐसे किसानों को मिलता है जिनकी कुल जमीन 2 हेक्टेयर तक होती है। ये पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधे किसानों के खाते में डाल दिया जाता है। सरकार की इस योजना से देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे और सीमांत किसानों को फायदा मिल रहा है। इसकी वजह से उन्हें सूदखोरों से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आर्थिक हालत को मजबूत बनाने के मकसद से सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड का व्यापक स्तर पर विस्तार किया है। कृषि संबंधी उत्पादों को खरीदने के लिए किसान आसानी से इस कार्ड पर 5 सालों के लिए 3 लाख तक लोन ले सकते हैं। सरकार ने हर किसान तक किसान क्रेडिट कार्ड पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव किए।
कोरोना काल में ही सरकार ने 2 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए, जिसमें से ज्यादातर छोटे किसानों के लिए हैं। पहले किसान क्रेडिट कार्ड हर कोई किसान को नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देश के हर किसान के लिए उपलब्ध कराने के लिए हमने नियमों में भी बदलाव किया है। अब किसानों को खेती से जुड़े कामों के लिए आसानी से आवश्यक पूंजी मिल रही है। इसमें उन्हें दूसरों से ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेने की मजबूरी से भी मुक्ति मिली। प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट होने की वजह से हर साल देश में लाखों किसान बेघर हो जाते थे और आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो जाते थे। सरकार ने इन समस्याओं से किसानों को बचाने के लिए साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत बुआई के पहले से फसल की कटाई के बाद तक के लिए बीमा सुरक्षा मिलती है। फसल बीमा योजना में रबी खरीफ की फसल के साथ साथ कारोबारी और बागवानी फसलों को भी शामिल किया गया है। किसान को खरीफ फसल के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% का प्रीमियम भुगतान करना होता है। देखिए, एक समय था जब प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसल बर्बाद होती थी और किसानों को 100 रुपये और 200 रुपये के चेक सरकारें देती थी तो दुख भी होता था और शर्म आती थी। आज जो कम से कम दर पर रबी को 1.5% और खरीफ को 2% पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत है, ये बहुत बड़ा कदम है। इससे किसानों का यदि कहीं भी कोई नुकसान है तो उसकी भरपाई की गई है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसानों के लिए पेंशन योजना की भी शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को 60 साल की आयु पूरी करने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपए पेंशन दी जाती है। इसके लिए 60 साल की आयु तक किसानों को 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक प्रति माह जमा कराना होता है। इस योजना की खासियत ये है कि स्कीम में जितना योगदान किसान का होता है उतना ही योगदान सरकार करती है। ग्रामीण इलाकों में किसानों को हर समय बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रधानमंत्री कुसुम योजना चला रही है। इस स्कीम के तहत किसानों को सोलर पैनल सब्सिडी पर दिए जाते हैं। वहीं खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू की गई है। इसके तहत मिट्टी की निःशुल्क जाँच की जाती है। इसी तरह किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर छूट देने के लिए स्माम किसान योजना की शुरुआत की गई है। किसानों के लिए लागू की गई इन लाभकारी योजनाओं के अलावा कई अन्य स्कीम भी सरकार ने शुरू की हैं, जिनमें सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन योजना, डेयरी उद्यमिता विकास योजना, पशुधन बीमा योजना शामिल है। इसके साथ ही सरकार जैविक खेती योजना को भी काफी बढ़ावा दे रही है, ताकि मिट्टी की उर्वरता को बरकरार रखते हुए प्राकृतिक तरीके से अन्न का उत्पादन किया जा सके। किसानों की बेहतरी और उन्हें सशक्त बनाने के लिए सरकार की इन योजनाओं से देश भर के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही खेती किसानी में इन स्कीमों के लाभकारी परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। किसान हमारे देश की रीढ़ हैं। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए बीते 7 साल से केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि किसानों की खुशहाली सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे किसानों की आय में इजाफा हो और खेती लाभकारी बन सके। किसानों को मजबूत करने और कृषि कार्यों में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने बीते कुछ सालों में अनेक लाभकारी योजनाओं को लागू किया है। लंबे वक्त से खेती मुनाफे का सौदा नहीं रह गया था। किसान जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद अपनी उपज की सही कीमत पाने में नाकाम रह रहे थे। उनकी आमदनी बढ़ाकर ही खेती की हालत में सुधार लाया जा सकता है। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार कृषि से जुड़े 3 विधेयक लाई, जिसे सितंबर 2020 में संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया।
दरअसल ये तीनों कानून देश में कृषि सुधार के नजरिए से ऐतिहासिक हैं। देखिए, नए कृषि कानूनों को लेकर जो विरोध हो रहा है वो मेरी समझ से परे है, क्योंकि मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूँ, 3 दशक से, कि किसान जो मांगे कर रहे थे राइट फ्रॉम महेंद्र सिंह टिकैत, वे कानून, ये तीनों कानून उसको पूरा कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें किसानों को नई परिस्थितियों में जो उनकी जरूरतें हैं उसके लिए बहुत कुछ किया। सबसे पहले बात करते हैं कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 की। दरअसल कृषि उत्पादों पर कई तरह के प्रतिबंध के चलते किसानों को अपने उत्पाद बेचने में काफी दिक्कत आती थी। अधिसूचित कृषि उत्पाद विपणन समिति वाले बाजार क्षेत्र के बाहर किसानों पर उत्पाद बेचने पर कई तरह के प्रतिबंध थे। उन्हें अपने उत्पाद सरकार की ओर से लाइसेंस प्राप्त खरीदारों को ही बेचने की बाध्यता थी। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य को ऐसे उत्पादों के सुगम व्यापार के रास्ते में भी कई तरह की बाधाएं थी। ऐसी ही बाधाओं को दूर करने के लिए इस कानून को बनाया गया। इस कानून के तहत किसानों को अपनी फसल बेचने की आजादी होगी। अब किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं। एपीएमसी के दायरे के बाहर फसलों की खरीद बिक्री हो सकेगी, यानी किसान दूसरे राज्य में भी फसल बेच सकते हैं। इससे एक देश एक कृषि बाजार बनाने का रास्ता साफ होगा। अब बात करते हैं कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 की। भारत में ज्यादातर खेत छोटे आकार के हैं, इसलिए भारतीय कृषि को खेतों के छोटे आकार के कारण विखंडित खेती की श्रेणी में रखा जाता है। मौसम पर निर्भरता, उत्पादन की अनिश्चितता और बाजार का उतार चढ़ाव इसकी कुछ कमजोरियां हैं। इसके चलते कृषि जोखिम भरी है। इन समस्याओं को दूर करने के मकसद से ही ये कानून बनाया गया। इसके जरिए खेती से जुड़े जोखिम को किसानों से हटाकर प्रायोजक पर रख दिया गया है। बुआई से पहले ही कीमत तय होने से उनका जोखिम कम होता है। किसानों को शोषण का भय नहीं होगा। किसानों तक बेहतर तकनीक की पहुंच सुनिश्चित होगी, विपणन की लागत में कमी आएगी और किसानों की आय में सुधार होगा, सप्लाई चेन बनाने में निजी निवेश बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आपको उसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई भी किसान अगर अपना खेत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए देता है तो उसके हितों की, उसके कानून, उसकी जमीन पर उसके अधिकार की पूरी रक्षा होने जा रही है। किसानों को अपनी फसलों के लिए तैयार बाजार मिलेगा। किसान सीधे तौर से विपणन से जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा। विवाद की स्थिति में किसानों के हितों का संरक्षण हो, इसके लिए भी इसमें खास प्रबंध किए गए हैं। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। इसके जरिए भी किसानों के जोखिम को कम करने का प्रयास किया गया है। भरपूर पैदावार के बावजूद कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश के अभाव में किसान अपनी उपज के उचित मूल्य पाने में असमर्थ रहे हैं। पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रतिबंधों की वजह से जल्द खराब हो जाने वाली कृषि उपज की बंपर पैदावार होने पर किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। अगर सुविधाएं उपलब्ध हों तो बड़े पैमाने पर इस तरह की बर्बादी को रोका जा सकता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए ही ये कानून बनाया गया है। कृषि विशेष में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह तकनीक ने किसानों की तस्वीर बदल दी। आप बने रहें हमारे साथ। बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। तकनीक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का डंका पूरी दुनिया में बजता है। भारतीय कृषि भी इससे अछूता नहीं है। पिछले कुछ सालों से कृषि के क्षेत्र में नए नए तकनीक का खूब इस्तेमाल हो रहा है, जिससे फसलों की पैदावार और गुणवत्ता में काफी इजाफा हुआ है। सरकार भी कृषि क्षेत्र में नए नए तकनीक अपनाने के लिए किसानों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है।
देखिए कृषि में नवाचार और तकनीक के इस्तेमाल पर हमारी ये खास रिपोर्ट। आज कोई भी क्षेत्र तकनीक और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से अछूता नहीं है। कृषि भी ऐसा ही एक क्षेत्र है जहां किसान खेत तैयार करने से लेकर उत्पाद बेचने तक तकनीक का ही इस्तेमाल करता है। नई तकनीकों के इस्तेमाल की वजह से देश की कृषि व्यवस्था ने भी नई राह पकड़ी है। भारत के कृषि क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल की बात करें तो कृषि मशीनरी उद्योग की हिस्सेदारी करीब 60% है। आज कृषि के क्षेत्र में रोटावेटर, सीड ड्रिल मशीन, लैंड लेवलर, ड्राइवरलेस ट्रैक्टर, प्लांटर और हार्वेस्टर जैसी तकनीकों ने एक नई पहचान बनाई है। कृषि सिंचाई के क्षेत्र में भी किसान अब टपक सिंचाई और सूक्ष्म बूंद सिंचाई जैसी तकनीक को अपना रहे हैं। कृषि सिंचाई की इन तकनीकों से पैदावार में बढ़ोतरी, पानी का सही मात्रा में उपयोग और पौधों को संतुलित रूप से पोषक तत्व देने जैसे लाभ किसानों को मिल रहे हैं। वहीं फसलों के बीज व्यापार में भी तकनीक के चलते काफी बदलाव आया है। किसान अब देसी किस्म के बीजों की जगह हाइब्रिड बीज इस्तेमाल कर अधिक पैदावार ले रहे हैं। सरकार ने भी कृषि बाजारों को तकनीक से जोड़ते हुए कृषि मंडियों को ऑनलाइन कर दिया है। इससे किसानों को काफी फायदा मिल रहा है। देखिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं और इन प्रयासों में जो मुख्य प्रयास था कि कैसे किसानों की आमदनी को दोगुना किया जाए, इसके लिए हमारी सरकारों ने जहाँ जहाँ पर जो कहना चाहिए जो गैप थे उनको भरने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। एक जो गैप था कि किसानों को उनकी आमदनी का पूरा हिस्सा नहीं मिल पाता था और बिचौलिए उसको ले जाते थे, तो हमारी सरकार इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है किस तरीके से हम अपने उत्पादों को सही तरीके से प्रोसेस करके मार्केट में सीधे कंज्यूमर तक, सीधे जो उपभोक्ता है उन तक पहुँचाएँ। तो इस कड़ी में बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी आई हैं जिसमें कि किसानों को छोटे छोटे यंत्र दिए गए हैं, छोटे स्टार्टअप शुरू करने को कहा गया, FPO बनाने को कहा गया। तो ये सब सारे एक तरीके से हमारे एक किसानों की आय बढ़ाने के लिए, यूं कहिए एक क्रांति आई हुई है जिससे कि किसानों की आय दिनों दिन बढ़ रही है और बहुत सारे किसान इसका फायदा उठा रहे हैं। भारतीय कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल ने एक नए बदलाव की नींव रखी है। देश के किसान खेती में ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ड्रोन से कीटनाशक दवा का फसलों पर छिड़काव करने से कृषकों को काफी फायदा होगा। इस तकनीक से किसान केवल 20 मिनट में एक हेक्टेयर भूमि में लगी फसल पर छिड़काव कर सकता है। इससे किसान का समय और मेहनत दोनों बचता है। ड्रोन एक ऐसा है कि इस टेक्नोलॉजी का जिसका कोई सीमा नहीं है, इसकी टेक्नोलॉजी को हम बहुत तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है सर्विलेंस और सर्वे की जो बात होती है कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा अमुक बीमारी कितने क्षेत्र में फैली हुई है, अमुक कीड़ा कितने क्षेत्र में लगा हुआ है, कोई पर्टिकुलर फसल है वो कितने क्षेत्र में लगी हुई है। तो बहुत सी सारी चीज़ें, बीमारियों का पता करना और इन सब का उत्पाद को भी हम इससे एस्टीमेट कर सकते हैं कि हमारा कितना उत्पादन होने जा रहा है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी एक तो सर्विलेंस के लिए और डाटा इकट्ठा करने के लिए काम आ रही है। दूसरे, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी आजकल जो छोटे छोटे हम प्रिसीजन की जो बात करते हैं कि जो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से हमें कहीं पर कोई चीज़ अप्लाई करनी है, कोई रसायन प्रयोग करना है, उस रसायन को हम उसी स्पॉट पर इससे डाल सकते हैं और जो कि बिना हम जो कि अभी करते थे जिन तरीकों से, उन तरीकों से ये कई गुना बेहतर है और बहुत ही अच्छी तरीके से हम उसको कार्यान्वयन करते हैं। इससे कि केमिकल की तो बचत ही होती है लेकिन हम उस केमिकल को, उस रसायन को जहां पर प्रयोग करना चाहते हैं ठीक उसी जगह पर सटीक तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी आगे आने वाले समय में और बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग होने वाली है और जिससे कि हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी हमारे किसानों ने करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के किसानों ने फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए AI का उपयोग शुरू कर दिया है। यही नहीं, मिट्टी की सेहत की निगरानी करने और कटाई जैसे अन्य कृषि कार्यों के लिए कृषि रोबोट भी विकसित किए जा रहे हैं। मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल कर पर्यावरण के प्रभावों का विश्लेषण और भविष्यवाणी भी की जा सकती है। इससे फसलों की रखरखाव में काफी फायदा होगा।
कृषि रसायन और उर्वरक तकनीक के जरिए भी किसानों की फसल की पैदावार में वृद्धि हो रही है, जिसमें कृषि रसायन और उर्वरक क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। देश में हर साल 32.4 मिलियन टन उर्वरक का उत्पादन होता है। वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी 10% है, जबकि घरेलू बाजार में बड़े स्तर पर कृषि रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है। कृषि रसायनों के इस्तेमाल में भारत का चौथा स्थान है। अमेरिका, जापान और चीन की तुलना में भारत में 0.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि रसायनों और उर्वरकों का इस्तेमाल होता है। आधुनिक तकनीकों के चलते कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए। इसका सीधा फायदा कृषि क्षेत्र से जुड़े हर एक व्यक्ति को मिला है। सरकार का ये प्रयास है कि देश का हर किसान तकनीक का इस्तेमाल कर इससे होने वाले फायदे का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ है। ये न केवल भारत की जीडीपी में करीब 15% का योगदान देता है, बल्कि भारत की करीब 60% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। देश की करीब 1 अरब से ज्यादा आबादी को कृषि जहां खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है, तो वहीं दूसरी ओर कृषि आधारित उद्योग के लिए कच्चे माल की व्यवस्था भी करती है। हालांकि इस क्षेत्र में अभी भी कई चुनौतियां भी हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज भी अधिकांश भारतीय परिवारों के लिए कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। कृषि और कृषि आधारित उद्योगों का देश की अर्थव्यवस्था में करीब 15% योगदान है। देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान 18% है। इसके अलावा कृषि देश की करीब आधी आबादी के लिए रोजी रोटी का जरिया है। 2011 की जनगणना के मुताबिक 15.97 करोड़ हेक्टेयर जमीन खेती के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में भी कृषि क्षेत्र ने काफी सराहनीय प्रदर्शन किया। नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 के दौरान कृषि क्षेत्र का विकास दर 3.6 रहा। अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के दौरान कृषि निर्यात 43.4% बढ़कर 53,626 करोड़ रुपए हो गया, जो 2019 की इसी अवधि में 37,397 करोड़ रुपए था। अर्थव्यवस्था का मजबूत पहिया होने के बावजूद कृषि क्षेत्र में कई चुनौतियां भी मौजूद हैं। इनमें किसानों की कमजोर आर्थिक स्थिति, ऋणग्रस्तता, खेती में बढ़ती लागत, मौसम की मार और सिंचाई के स्रोतों का अभाव शामिल है। हालांकि सरकार ने कृषि क्षेत्र के महत्व को देखते हुए कृषि के सतत विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित करना। इसके लिए सरकार ने अंतर मंत्रालय समिति का गठन भी किया है, जिसने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए 7 मुख्य स्रोतों की पहचान की है, जिस पर सरकार काम कर रही है। कृषि क्षेत्र में विकास के लिए अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग फैसिलिटी लॉन्च की। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से गांव-गांव में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गाँव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने और खेती किसानी के विकास के लिए सरकार ने साल 2021-22 के बजट में कृषि के लिए 1,23,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इससे न केवल कृषि क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में बुनियादी सुधार भी होगा, जो किसानों की स्थिति को सुधारने के साथ ही उनकी आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। इसी के साथ आज के कृषि विशेष में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे लेकर एक नए मुद्दे को, जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।